आज कोलकातामा भएको बैठकमा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि जीटीए अध्यक्ष अनित थापाको बैठक समाप्त पछि गोर्खा भवनमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले आजको यस बैठकमा पहाड़को शान्ति अनि जीटीएका रहल मुद्दाहरू विषयमा छलफल गरिएको विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन् भने विमल गुरुङ को हुन् भनेर मिडिया कर्मीहरूलाई उल्टा प्रश्न पनि तेर्साएका छन्। Meeting was over and meeting was fruitful. So we have discussed all the matters related to peace, normalcy and stability in the region, especially Darjeeling Hills and the North Bengal. इसके साथ साथ GTA का जितना भी पेंडिंग इश्यूज था उस पर भी बात हो गया एंड सेम मैडम हैज एश्योर्ड कि जितना भी हमारा पेंडिंग है GTA का जो पेंडिंग इश्यूज है जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में हम लोग कई बार कर चुके हैं वो भी कर रहे हैं वो करेगा एंड एडिशनल फंड जो है GTA के लिए वो भी अभी देने के लिए बात हो गया है एंड फॉर मिरिक लेक के जो अभी वहाँ पे काम चल रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लेक का जो मरम्मत के लिए उसके लिए भी GTA को एक एडिशनल फंड जाएगा उसमें सो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बात किया कि कल से ही मैंने ये आपको बताते मीडिया को जो बागडोर में मिला था उस टाइम से मेरा कहना यह है कि जो पीस है जो नॉर्मलिसी है जो स्टेबिलिटी है उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने कल बताया था उसी में डिस्कस हो गया है। करीबन 50 मिनट्स का डिस्कशन में सी वॉज देयर, ऑनरेबल सीम वॉज देयर, चीफ सेक्रेटरी वॉज देयर, अरूप विश्वास ऑनरेबल MIC एंड फरीद हाकिम ऑनरेबल MIC वॉज देयर एंड हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सुरेंद्र गुप्ता जी वो भी था उस मीटिंग में और अनित जी और मैं। सो एनी क्वेश्चन सर, क्या कोई भी विषय पर बात हुई है, विमल गुरु के विषय पर कोई बात हुई है? हु इज विमल गुरु? टेल मी हु इज विमल गुरु? व्हाई यू आर गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू विमल गुरु? ही इज नथिंग इन द पिक्चर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विमल गुरु एंड रोशन गिरी इज नॉट इन माई सिलेबस। ही इज नॉट द सब्जेक्ट and as well as he is not the object. So we have not discussed about the fate of the Vimal Guru. We have just discussed the matter related to the peace, normalcy and the stability. Okay. And why you are raising all the issues? Because after that we have discussed about the GTA when regarding Sinkhona also. सिंकोना में जितना भी पेंडिंग इश्यूज था वो प्रमोशन का केस था वो भी हो गया। GTA का एम्प्लॉयज का बात भी हो गया। तो ये सब हम लोग ने बातचीत किया। GTA का भी मैक्सिमम हम लोग बात किया बिकॉज मिस्टर अनित थापा ही इज हेडिंग द चेयरमैन ऑफ GTA। ही वॉज देयर इन द मीटिंग एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी वॉज देयर इन द मीटिंग। सो वी हैव डिस्कस इंटायर गैमट ऑफ द GTA। आप देखिए ना देखिए सुने विमल, आपको मैंने कल से भी बता दिया था कि आज सुबह में मैं बता दिया कि वो हमारा सिलेबस में नहीं है, विमल गुरु का एंटिटी भी नहीं है। अब आपको मैं पूछा जा रहा हूं कि हु इज विमल गुरु? व्हाई यू आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू विमल गुरु? आपके समर्थक रैली कर रहे हैं उनके खिलाफ पहाड़ पे, समर्थक रैली। देखिए वो जो रैली कालिम्पोंग में हुआ, कर्शियंग में हुआ, मिरिक में हुआ, डार्जिलिंग में हुआ, इंटायर हिल्स में हुआ, इवन इन प्लेन्स में भी हो गया। वो रैली पीपल पब्लिक का रिजेंटमेंट है, पब्लिक का एंग्वेस्ट है, वो गुस्सा है उनका ऊपर में। वो आज जो दार्जिलिंग में रैली हुआ था वो भी गुस्सा है। देखिए ये सब पब्लिक का गुस्सा है। इतना ज़्यादा पब्लिक सड़क में आ गया अगेंस्ट विमल गुरु, दैट मीन ही हैज गॉट नो एंटिटी एट ऑल इन नॉर्थ बेंगाल। ना देखिए मिरिक में हमको भी फोटो मिला था, उसमें कितने आदमी थे? आप वो एक एक को पहचान लीजिए
कोई कालिम्पोंग से आया था, कोई दार्जिलिंग से आया था, कोई जगह जगह से आया था, वो एक टाउन हॉल में हुआ था। कितना आदमी था? 100 आदमी 150 आदमी 200 पकड़ लीजिए और 200 पकड़ लीजिए और दार्जिलिंग का रैली देख लीजिए, वहाँ पे 50 आदमी था क्या, या 20,000 25,000 40,000 आदमी था आज। लेकिन सर तृणमूल कांग्रेस और इसी पार्टी ने वेलकम किया है बिमल गुरुंग को फिर एक बार अपनी पार्टी के अलायंस के लिए, तो पूजा जी मेरा मतलब है, मेरा भी विनय तामंग बोल के एक पेज है, ठीक है, वो मेरा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल चलाते हैं, ठीक है। तो एक ट्विटर में वो ट्वीट आ गया था, इट डजंट मीन कि सीएम मैडम ने वो ट्वीट किया है, हाँ किसी भी चला सकते हैं। तो हमारा अनिल जी का भी पेज है, उनका भी अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो चलाते हैं। तो देखिए ये ट्वीट करना है, लेकिन ऑफिशियली जैसे कि हम लोग ने आज आप प्रेस के सामने में आके बोला, तो कई ऐसा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का लीडर आके बोला है, अभी तक बोला है एज ऑफ नाउ बोला है, 21 तारीख से अभी तक बोला है, उससे आगे बोला था, अभी बोला है। नाउ आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली आई एम आस्किंग यू ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मीडिया, हु इज बीमल गुरुंग, जस्ट टेल मी द चैप्टर इज क्लोज, बीमल गुरुंग चैप्टर इज क्लोज, नाउ वी हैव नॉट डिस्कस्ड द मैटर विथ रिलेटेड टू बीमल गुरुंग एंड रोशन गिरी आउट देयर इन नमाना टुडे। सिर्फ हम लोग ने वहाँ का शांति श्रृंखला और स्टेबिलिटी के बनाए रखने के लिए, क्योंकि 3 बरस से वहाँ पे शांति है, कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई ऐसा हिंसा नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं है, इंटायर नॉर्थ बंगाल इज हैप्पी नाउ। तो इसलिए हम लोग को उसको सस्टेन करना है, तो कैसे सस्टेन करें, गवर्नमेंट इज देयर, सो वी हैव गिवन सजेशन आवर सजेशन ऑल्सो, सो बीमल गुरुंग का बात ही नहीं हुआ। ना देखिए ये मैटर सब ज्यूडिस है, ठीक है, 167 केसेस उनका पास में है, अब इसमें यूएपी केस भी है, क्रिमिनल प्रोक्लेम ऑफेंडर है, वो कोर्ट ने दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, पुलिस ने नहीं दिया, कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है कि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उनका प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो गया है, उनका सारा का सारा यूएपीए केस है, तो ये कोर्ट ही जाने, क्योंकि कोर्ट में सब ज्यूडिशियल मैटर है, सो वी हैव टू रेस्पेक्ट द ज्यूडिशियल फैब्रिक, ज्यूडिशियल पैटर्न ऑफ आवर कंट्री, वन शुड हैव, मतलब देखिए हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए ना, ज्यूडिशियरी को तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, नो वन इज अबव द लॉ। अनित जी भी जेल गया हुआ है, मैं भी जेल गया, आज उन चेयरमैन बन गया मैं, अब अभी वहाँ पे सभी बोलते हैं इन लोगों के पास में अभी केस होने के बाद में, लेकिन हमारा पेंडिंग वारंट नहीं है, हम कोर्ट में जाते हैं, डेट में बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं कोर्ट को, लेकिन बीमल गुरुंग अभी तक कोर्ट से भागा हुआ आदमी है ना, ही इज फ्यूगेटिव लीडर, तो उसमें जाइए, ज्यूडिशियल मैटर इज डिफरेंट थिंग, पॉलिटिकल मैटर इज डिफरेंट थिंग, इलेक्टोरल मैटर इज डिफरेंट थिंग, सो वी हैव टू रेस्पेक्ट द ज्यूडिशियल सिस्टम। आपको कल से बागडोर से मैंने बोल के आया, हमारा सिलेबस में बीमल गुरुंग रोशन गिरी नहीं है, आज भी बोला अभी भी बोला हमारा सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में होता हमारा किताब में होता तो बोल देता, हमारा किताब में नहीं है वो, बात नहीं हुआ, सिर्फ पीस कैसे रखना है वो इंटायर रीजन को, कैसे स्टेबिलिटी देना है, कैसे नॉर्मलसी रखना है, जो अभी 3 वर्ष तक है अनित जी ने जो काम किया COVID-19 के टाइम में, उसके देख के जब पब्लिक को अभी हो गया है, हम कैसे वहाँ के पब्लिक को नॉर्थ बंगाल को हिल्स को आगे लेके जाना है डेवलपमेंट एक्सपेक्ट में और नॉर्मल्स में। अभी देखिए आप आफ्टर 1 ईयर COVID-19 के बीच में वो लॉकडाउन हो गया था, नाउ इफ यू गो टू दार्जिलिंग नाउ टुमारो यू जस्ट गो टू दार्जिलिंग यू गेट 1,000 and 1,000 टूरिस्ट आर देयर इन द दार्जिलिंग, अभी टूरिस्ट आना शुरू हो गया, सो हम लोग चाहते हैं कि गेस्ट आए वहाँ पे, टूरिज्म एक मेन इंडस्ट्री है दार्जिलिंग का, वो बचाए रखें, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पीस एंड नॉर्मलसी हो। Yesterday you said that you will not be sharing your political space, any kind of platform with Bimal Gurung. Do you maintain the same position after the Yeah. I've already told you. Just my simple sentence, मैंने बोल दिया, who is Bimal Gurung? Who is Bimal Gurung? सिर्फ 4 वर्ड था। तो
येस्टरडे भी मैंने बोला, आज सुबह भी मैं बोला, आज भी मैं बोल, अभी भी मैं आपको मीडिया की तरफ से बोल देता हूँ थ्रू मीडिया कि वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म विद बिमल गुरु एंड रोशनगिरी एंड हिज ग्रुप इन फ्यूचर ऑल्सो. So, you just don't raise the question of Bimal Gurung and Roshan Giri right now, please. Chapter is closed. He is no more. वो तो उनका ही. नहीं नहीं, अभी मीटिंग के बाद आपका स्टैंडपॉइंट क्या है? नहीं नहीं, देखे देखे देखे, वो ज्यूडिशियल मैटर है, मैटर्स ऑफ ज्यूडिशियल है. उनका कहना है कि उनका घर है, वो जाना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं. देखिए, फर्स्ट पीस एंड नॉन ऑब्लिगेसी ज्यूडिशियल मैटर है, मैटर सब ज्यूडिस है. तो वो अगर वो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही एंड हिज ग्रुप शुड गो थ्रू द ज्यूडिशियल सिस्टम. लेकिन क्या पीस जो है डिस्टर्ब हो सकता है हिल्स में उनके वापस आने से? देखिए, ये तो मेरे को नहीं, पब्लिक को जाके आप पूछिए, गांव गांव में जाके पूछिए, बिमल गुरु का पास का रिकॉर्ड पूछिए, 2007 के आगे का रिकॉर्ड पूछिए, तो उसके पता चलेगा कि गांव का. वी आर नॉट द इंटेलिजेंस ब्यूरो, वी आर नॉट हेडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. ठीक है, तो आप उनसे पूछिए, पब्लिक से पूछिए ना, बिमल गुरु आने से फायदा है या नुकसान है, उनके पूछिए. मैं थक चुका हूँ बिमल गुरु का नाम आपने अपने लेते लेते. आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन बिमल गुरु. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, समर कैपिटल वहाँ पे भी है, तो जो भी गवर्नर जाते हैं 10-15 दिन वन वीक के लिए जाते हैं वहाँ पे. देखिए, वो गवर्नर का शेड्यूल तो मैं तय नहीं करता हूँ ना, अनिधि नहीं करता है ना, वो सब गवर्नर का शेड्यूल तो गवर्नर हाउस तय करते हैं, गवर्नमेंट तय करते हैं. हम लोग का ये क्वेश्चन, हम लोग के लिए ये सुइटेबल क्वेश्चन नहीं है. वी आर नॉट द अथॉरिटी टू आंसर ऑल दिस थिंग्स. देखिए, अभी तक वो इन्विटेशन नहीं आया था, हम लोग क्या करें सर? पिछले 3 साल से आप लोग जीजीएम चला रहे हैं हिल्स में, और आप लोगों ने जुडिशरी भी फेस किया है, लेकिन इस सिचुएशन में जब फैक्शन आपका सपोर्ट कर रहा है या दार्जिलिंग हिल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बिमल गुरुंग यूएपीए चार्जेस होने के बावजूद कोलकाता में फ्रीली मूव कर रहे हैं, विच इनडायरेक्टली मीन्स दैट द रूलिंग पार्टी इज प्रोटेक्टिंग हिम, तो आपके फैक्शन के लिए ये सेटबैक नहीं है? हम लोग के लिए थ्रेट भी नहीं है, सेटबैक भी नहीं है. जो हम लोग ने 21 तारीख को वीडियो में देखा था, वो कलकत्ता में भी हो सकता है, दूसरा जगह में भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं. वी आर नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी, वी आर रनिंग अ पार्टी, सो हमारा अथॉरिटी नहीं है. ठीक है, अगर उनका रहना देना कहाँ पे है, पहले दिल्ली में था या गुड़गांव में था, समाधान उनका था, तब भी बीजेपी गवर्नमेंट था सेंट्रल में, उनको कुछ नहीं किया. तो आप देखिए, जो पावर में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो ही बोल सकते हैं. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विल कंटिन्यू टू रिमेन अ डिवाइडेड हाउस, नॉट डिवाइडेड हाउस, डोंट से दैट. वी आर इन द फील्ड, फील्ड में तो हम लोग हैं, दे आर नॉट इन द फील्ड. सो वी आर इन द फील्ड, वी आर विद द पीपल, दे आर नॉट द पीपल, विद द पीपल. सो देखिए, अगर वो ऑडियो मैसेज आएगा, वीडियो मैसेज आएगा, आपको लगेगा कि वो है, उनका एंटिटी है. नहीं, हम लोग है. आज आपका सामने में हम लोग नवन्ना गया, मीटिंग किया, ये तो है ना, ये रियलिटी है. कितना फंड डिमांड किया जितने करने के? लास्ट टाइम जब हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुआ था, वेरी नेक्स्ट डे सिल्क में जब एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुआ था, नहीं वेरी नेक्स्ट डे उनका इवनिंग 175 करोड़ जीटीए चेयरमैन को दिया जाता है, उस टाइम दिया जाता लास्ट मंथ ओनली. तो फिर अभी एडिशनल फंड आने वाला है मेरी क्लिक के लिए और दूसरा क्लिक के लिए, ये बात हो चुकी है. और अब मेन इम्पोर्टेंट इश्यू था जो सिंकुना प्लांटेशन का एब्जॉर्प्शन का इश्यू, बहुत 5000 से ज़्यादा स्टाफ था उसका प्रमोशन, उन लोगों का एब्जॉर्प्शन इश्यू में मतलब वो रुक गया था, कोई इश्यू आ गया था, तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर प्रिंसिपल से उस इश्यू में सॉर्ट आउट करने के बाद, वो हम लोग के लिए बड़ा एक अचीवमेंट है जीटीए के लिए. अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं था, उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर उसने ऑर्डर करके इसको नोटिफिकेशन है. ये बड़ा मतलब हम लोगों के लिए जीटीए के लिए बड़ा अचीवमेंट है, और जीटीए कर्मचारी के लिए भी चीफ सेक्रेटरी को बोलते इन लोगों की फाइल देख के, मतलब आपको मालूम है जीटीए में रेगुलर कर्मचारी नहीं है और डाइनिंग इशू है, इसको भी चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें?
और डाइन है आप लोग की अभी भी गोरखालैंड चाहता है। विमल गुरुंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे में बोल दिया था कि वो अभी भी गोरखालैंड में सुनिए सुनिए हम लोग अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा डार्जिलिंग पहाड़ में इंटायर रीजन में वह क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेक्ट में बहुत पीछे है दार्जिलिंग। ठीक है कोई इंडस्ट्री नहीं है कोई टूरिज्म का जो सेक्टर है टूरिज्म है लेकिन नेचुरल टूरिज्म की वजह से पब्लिक टूरिस्ट आते हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा टूरिज्म का फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि लास्ट 30-40 ईयर्स में वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम लोग चाहते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट हो डेवलपमेंट हो कम्युनिकेशन ठीक हो उसके बाद में हम लोग सोचेंगे। लेकिन अभी कब है तो कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और ममता जी से मिलकर स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर और अभी चेयरमैन जीटीए अनित थापा जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के सामने में जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा COVID-19 में ही वॉज द फाइटर फिर में था इतना महीने तक अपना लाइफ रिस्क में रख के उन्होंने COVID-19 में एक फाइट किया फिर में जाके ही इज माई जनरल सेक्रेटरी बट उनको अप्रिशिएट मैंने नहीं किया काम वो लेकिन इन्होंने काम किया। ये सब हम लोग का एक पब्लिक के लिए हमारा डिलीवरी है ये हम लोग डिलीवरी दे दिया। तो लास्टली बिफोर गिविंग यू द थैंक्स वर्ड सब गोरखालैंड को चाहिए गोरखालैंड मिलेगा कहाँ किसी को मालूम ही नहीं है गोरखालैंड को देखिए गोरखालैंड बोल के हमारा पार्ट सत्यानाश कर दिया लीडर लोगों ने गोरखालैंड बोल के गोरखालैंड हम लोग के लिए माँ है और गोरखालैंड जितना भी लीडर आया वोट में उसको नीलामी कर दिया गोरखालैंड वोट के वोट मांगा गोरखालैंड हमारा गोरखालैंड माँ का जैसा है लेकिन जितना भी लीडर गोरखालैंड को वोट में प्रयोग करके हमारा माँ को मिलाप कर रहा है हम जब भी बोल रहा हूँ भी गोरखालैंड हम लोग वोट में प्रयोग यूज नहीं करेंगे वोट हम हमारा कर्म से मांगेंगे इस बार गोरखालैंड माँ जैसा है लेकिन इसको हमको अभी हमको वोट का बाजार में नीलामी नहीं कर देंगे और गोरखालैंड लेके हम लोग दार्जिलिंग को आगुन लगाना तोड़ना फोड़ना ये हम बंद करेंगे। बहुत 3 साल में हम लोग बहुत दुख करके ये स्थिति में लाया दार्जिलिंग और दार्जिलिंग को हम अभी उच्च स्थिति में जाने नहीं देंगे। और लास्टली इन लास्ट 20 मिनट्स यू हैव मेंशन 20 टाइम्स और मोर दैट यू हैव टू मेंटेन द पीस डिसिप्लिन डू यू सी एनी रीसेंट थ्रेट्स टू द पीस एंड डिसिप्लिन प्रेजेंटली Yes, as of now, there is completely peace and normalcy. Any recent threat to it? No. There is no threat? No. Then what was the occasion that you mentioned it or maybe the Honorable Chief Minister mentioned it in the No, actually क्या होता है कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में कई बार आते हैं लेकिन ये जब विमल गुरु का एपिसोड आ गया तब आप लोग ने इसको ऊपर चला गया तो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी हम लोग ने यही बोला था पीस एंड क्योंकि अनित जी और मैं 2017 के लेट 2017 में इसलिए आया कि वहाँ के पीस के लिए एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आउट हियर इन गोरखा भवन एंड दोज आर वॉचिंग अस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो प्लीज क्लोज द चैप्टर ऑफ बिमल गुरुंग एंड रोशन किरी डोंट रेज द क्वेश्चन ऑफ नो हम लोग के लिए थ्रेड नहीं है हो सकता है अनित और विनय उन लोगों के लिए थ्रेड होगा हम लोग के लिए नहीं। यानी कल से दार्जिलिंग में कोई प्रोटेस्ट रैली नहीं निकलेगा पार्टन दार्जिलिंग में और कोई प्रोटेस्ट रैली वो बैक विमल देखिए कालिम्पोंग में हो गया कर्सेंग में हो गया मिरिक में हो गया दार्जिलिंग में हो गया देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो होते रहते हैं हमारा अपना ना वो तो पब्लिक रीजन में है ना हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होगा ना नहीं उसका उसका ट्रू कलर क्या है हम लोगों को दिखाना है व्हाट इज द ट्रू कलर ओके योर सजेशंस टू द सीएम कि ये पीस के लिए क्या क्या वो हमारा सजेशन था अनिल जी ने भी रखा मैंने भी रखा वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल दीस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ प्रेस ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सीएम ने क्या बोला।